आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सबों की पढ़ाई कैसे चल रही है, किस तरीके से आपको कोई टॉपिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये सब क्या करिएगा बच्चों आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे तभी जिससे मैं जानकारी लूँ। या फिर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं कि कौन सी टॉपिक समझ में आ रही है नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। तो स्टूडेंट आज चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 7 लेकर आ रहा हूँ और इस लेक्चर के अंदर आपको डिस्कस किया जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, यानी रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी मेथड से, जिससे आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा फिजिक्स में कि फील करना पड़े आपको दोबारा, इसका फील मिलेगा आपको। फिजिक्स एक्चुअली में आप जानते हैं कि टोटल क्या होता है, फील होता है, फिजिक्स मीन्स फील। आप फिजिक्स को जितना फील कर पाओगे ना उतना ही मजा आता चला जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करेगा, फील करने के लिए रिलेटिव परमिटिविटी को फील करने के लिए आप वीडियो को पूरी लास्ट देखिएगा जिससे आप कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस लेक्चर में आपको यह भी मिलेगा कि मैं चार्ज को कहां पर रिप्लेस कर रहा हूं, चार्ज को रिप्लेस करने पर फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फोर्स कम होता है कि ज्यादा होता है। बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में मैं बात कर रही थी कूलम्ब्स लॉ के बारे में, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने वहां पे लेक्चर को डिस्कस नहीं किया। नया लेक्चर बनाया रिलेटिव परमिटिविटी और इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि दो चार्ज है उसको पहले आपने एयर में रखा और एयर से हटा करके फिर किसी मीडियम में रख लेकर चले गए, तो मीडियम में रखने पर फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फोर्स आपका घटता है कि फोर्स आपका बढ़ता है। तो इन सब टॉपिक पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों इस लेक्चर में। तो प्लीज क्या करिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा जिससे कभी भी आपको आज के बाद रिलेटिव परमिटिविटी या कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा, एनसीईआरटी प्रॉब्लम या फिर रेफरेंस बुक में एक एनसीईआरटी क्वेश्चन बनेगा, रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चन बनेगा उसको भी मैं सॉल्व करूंगा। तो बच्चों क्या करेगा, वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा, कहीं भी बीच में स्किप मत करिएगा, अगर स्किप कर देंगे हो सकता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए तो आपको फील नहीं हो पाएगा। ओके, तो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। बच्चों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों से बहुत निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लास्ट दिसंबर तक आपके क्लास 12 फिजिक्स जितना भी मैटर है, बिज न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी प्रॉब्लम, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन, ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको दिसंबर तक मैं प्रॉमिस करता हूँ मिल जाएगा। तो ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल जब सब्सक्राइब करते हैं हमको बहुत खुशी होती है, बहुत मोटिवेट होते हैं, मजा आ जाता है, लगता है कि आप सब लोग इस चैनल को बहुत लाइक कर रहे हैं। ओके, और लाइक करने के साथ साथ क्या करिएगा स्टूडेंट, चैनल को जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसके लिंक को प्रेस क्या करिएगा, जितने भी कह सकते हैं कि साधन बन सकते हैं उतने साधन पे आप क्या करिएगा, शेयर कर दिया करिए लिंक को। तो जितना ही ज्यादा पॉपुलर होगा, बिकॉज अमेजन न्यू यूट्यूबर एक बहुत ज्यादा बहुत बड़ी फैमिली अभी नहीं बन पाई, छोटी सी फैमिली है, उसी फैमिली के अंदर काम किया जा रहा है, बट जितना ज्यादा आपका सहयोग मिलेगा ये फैमिली उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा हम लोग को। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, सो स्टूडेंट इन द प्रीवियस लेक्चर हम बात किए थे कि अगर आपके पास दो चार्ज है और अगर उसको क्या किया गया है, मीडियम में रिप्लेस कर दिया गया, दोनों चार्ज को मीडियम में रिप्लेस कर दिया गया, तो मीडियम में रिप्लेस करने पर जो फोर्स लग रहा था वो एफएम इक्वल टू हो रहा था 1/4πε0 के इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जब वही चार्ज आपका एयर में हो गया था तो एयर के लिए स्टूडेंट K इक्वल टू होता है 1, तो यहां पे K इक्वल टू 1 पुट कर दो तो यहां पे F हो जाएगा, सो F इक्वल टू 1/4πε0 हो जाता है इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत अच्छे से रिमेम्बर करिएगा हर एक चीज को बहुत अच्छे से फील करिएगा। तो ये मीडियम में था चार्ज, ये फोर्स लग रहा था, जब एयर के लिए हो जाता तो एयर के लिए के इक्वल टू 1 हो जाता, मैंने ये रिप्लेस कर दिया। नाउ कंसीडर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड कंसीडर इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो यहां पर देखो क्या चीज हो रहा है, सो एफएम अपॉन एफ हो जाएगा, यहां पे एफएम अपॉन एफ इज इक्वल टू ये टर्म Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/4πε0 खत्म होगा, 1/4πε0 खत्म होगा, तो यहां पे क्या आएगा K, तो इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं K इक्वल टू एफ अपॉन एफएम। तो यहां पे स्टूडेंट एफएम इक्वल टू क्या हो जाएगा,
या एफ अपान के, तो सबसे पहले ये रिमेम्बर करो कि यहाँ पे एफ क्या है, व्हाट इज एफ, एफ है फोर्स इन एयर, एफ क्या है फोर्स इन एयर, एफ एम क्या है एफ एम फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। हमने क्या किया, सपोज करो फील करो इसको ध्यान से कि के क्या होता है, के आपको पता चल गया केस क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, तो के क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपसे कोई पूछता है कि के क्या है तो क्या बताओगे सर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू फोर्स इन मीडियम, यानी कि दो चार्ज को आपने क्या किया, सबसे पहले एयर में रख दिया, हवा में रखा, वायु में रख दिया, और उसी दो चार्ज को किसी माध्यम में लेकर चले गए, तो जो अलग अलग मीडियम में पहले एयर में जो फोर्स लग रहा था वो, और अब जो मीडियम में फोर्स लग रहा है वो, दोनों का जो रेशियो होता है वही आपका होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, के इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम, ये होता है। ओके, तो यहां पे क्या देख रहे हो ध्यान से, सपोज कर लो आपके पास दो चार्ज है, आपके पास क्या है दो चार्ज है, उनको आपने क्या किया एयर में रख दिया, तो एयर में रखने के बाद एक क्वेश्चन टाइप का मैं बता रहा हूं, समझ जाइए ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि सीबीएसई बोर्ड में आया है क्वेश्चन। ओके, आपके पास टू चार्ज है, आपने क्या किया है उसको एयर में रख दिया, और एयर में रखने के बाद आपका फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन, टू चार्ज है, और उस दो चार्ज में से क्या किया, दोनों चार्जों को मैंने एयर में रखा, एयर में फिकल भी कितना लग रहा है 80, और मीडियम में, मीडियम में जो एफ एम है वो आपका 10 है। अगेन टू चार्ज आर रिप्लेस्ड इन एयर एंड एट द फोर्स इज 80 न्यूटन, एंड व्हेन बोथ चार्ज आर रिप्लेस्ड इन मीडियम देन अकर्ड फोर्स आर एट फोर्स इज वॉट 10 न्यूटन। दो चार्ज को आपने जब मीडियम एयर में रखा तो 80 न्यूटन का बल लग रहा था, और उसी को मीडियम में रखने पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उस जिस मीडियम में रखा गया उस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहा होगा, तो आपको ये पता है फार्मूला कि के इक्वल टू होता है एफ अपॉन एफ एम, तो एफ हमारा कितना है 80 और एफ एम कितना है 10, तो 10 से क्या करो डिवाइड कर दो, तो 10 × 80 यानी कि जो हमारा मीडियम रहा होगा उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 8 है। ये भी बच्चों क्वेश्चन है कि दो चार्ज को एयर में रखने पर फोर्स कितना लगा है 80 न्यूटन का, और मीडियम रखने पर 10 न्यूटन का, तो जो मीडियम है उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहा होगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एफ एम, और एफ की वैल्यू कितना है 80 अपॉन 10, तो मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चों 8 हो गया। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स इन एयर टू फोर्स इन मीडियम, दो चार्ज है उसको आपने एयर में रख दिया और उसी दो चार्ज को आपने क्या कर दिया मीडियम में रख दिया, तो उस अलग अलग कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स का रेशियो क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ओके, सो नोट डाउन इट। ओके, यस स्टूडेंट, तो अभी आया था कि मीडियम में भी फोर्स जो आया था मीडियम में फोर्स शायद आई थिंक 10 न्यूटन, और एयर में फोर्स कितना था आपका 80 न्यूटन, यानी कि इससे पता चल रहा है कि अगर आप दो चार्ज को एयर के बजाय किसी दूसरे मीडियम में लेकर जाते हो, अगर दो चार्ज को एयर के बजाय कहां ले गए किसी दूसरे मीडियम में ले गए हो, तो जो आपका फोर्स होता है फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है, और वो फोर्स कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला ये है कि एफ एम इक्वल टू एफ अपान के, एफ एम इक्वल टू एफ अपान के, तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एफ एम इक्वल टू एफ अपान के। तो इसको भी क्या करिएगा अपने नोटबुक्स में राइट कर लीजिएगा, फोर्स क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे जो एफ एम है डिक्रीज हो जाता है, या फिर फोर्स की जो वैल्यू होती है मीडियम में वो फोर्स की वैल्यू एयर में वाले से कम होती है, एयर में जो फोर्स लग रहा है चार्ज के बीच में उससे क्या होता है एफ एम कम होता है। ओके, सो इसलिए नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द रिलेटिव परमिटिविटी, एक्चुअली में सब क्या होता है रिफील करते हैं, तो आपको के का फील मिल गया होगा, के क्या होता है, के जो होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये दो मीडियम में फोर्स का रेशियो होता है, एक एयर का फिर दूसरा किसका था
मीडियम में था, तो यही होता है फील्ड, समझिए ध्यान से, कोई नया चीज नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने कहा था कि अगर आपका चार्ज एयर में रहता है तो फोर्स ये रहता है 1/4π ε0 q1 q2 r2। लेकिन जब आपका वही चार्ज आपका मीडियम में हो जाता है, मीडियम होने पर ये फोर्स fm बन जाता है। और यहां पे देखो स्टूडेंट, अब यहां पे εn0 k लगाते हैं, लेकिन यहां पे हम अब k नहीं राइट करेंगे, वहां पे राइट करेंगे εn इनटू q1 q2 r2। तो अब माइंड में चल रहा होगा कि सर यहां पे εn0 k रहता है, उसके प्लस पे क्या राइट कर दिया εn, तो भैया εn ही तो εn0 k होता है, εn0 k जो होता है वही क्या होता है εn होता है। तो अब यहां पे डिवाइड करो, तो यहां पे डिवाइड करने पर f अपान f m इज इक्वल टू क्या आएगा, डिवाइड करने पर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पे आएगा εn/εn0। और आपको भी बताया गया अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में कि जो f अपान f m होता है वो किसकी इक्वल होता है, कैपिटल K के। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू व्हाट, εn/εn0 इज इक्वल टू f अपान f m। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी, एयर का नहीं है ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है, बट ये एयर का परमिटिविटी नहीं है, ये है मीडियम की परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है बट किसकी परमिटिविटी है, एयर की, स्पेस एयर या फिर फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। सो के इक्वल टू f अपान f m इज इक्वल टू εn/εn0, के इक्वल टू f अपान f m इक्वल टू व्हाट, εn/εn0। ओके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसी को हम बोलते हैं, जो εn/εn0 आया है इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, जो εn/εn0 है वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। ओके, तो यानी कि कह सकते हैं कि सर εr क्या होता है, कुछ नया नहीं होता, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। εr इज व्हाट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको ऐसे राइट कर सकते हैं के इज इक्वल टू εn/εn0 इज इक्वल टू f अपान f m। वही आपकी होती है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, समझ में आया बात, जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या होती है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या कह सकते हैं जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो आप εn/εn0 के साथ इसका रेशियो आया है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो εn/εn0 का रेशियो होता है। इसको भी बोल सकते हैं आप कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है सर वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ एयर दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो हियर वी कैन राइट, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, यहां पे हम राइट कर सकते हैं कि εr, डेफिनेशन ही राइट कर सकते हैं कि εr इज रेशियो εn/εn0। εn क्या है, परमिटिविटी, लेकिन किसका, मीडियम का। εn0 क्या है, परमिटिविटी है, लेकिन किसका है, एयर का है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट द रिलेटिव परमिटिविटी। बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी जो है डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम विच इज द रेशियो ऑफ द εn/εn0। εn इक्वल टू व्हाट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, εn इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ एयर। जो वायु होता है उसकी विद्युतशीलता और जो माध्यम था माध्यम की विद्युतशीलता, तो दोनों का जो रेशियो होता है वो रेशियो कैसा कैसा होता है, εn/εn0, किसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसलिए जब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन को लेकर आएंगे रिलेटेड टू कुलम्स।
कुलम चलाते रहते हैं, जितने प्रॉब्लम आएंगे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं तो उस पर हम पहले बात करेंगे, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटर फार्म ऑफ कुलम्स लॉ. ओके, थैंक यू.